हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है ये बहुत ही आसान सी रेसिपी, जो कि है गार्लिक ब्रेड स्टिक, जो बहुत ही चीज़ी एंड खाने में बिल्कुल ही गार्लिक ब्रेड जैसा लगता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस अमेजिंग से गार्लिक ब्रेड की रेसिपी। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे खाने की खुशबू आप तक पहुंचती रहे। तो गार्लिक ब्रेड स्टिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है चिली फ्लेक्स, गार्लिक चॉप्ड और यहाँ पे हरा धनिया और बहुत सारा बटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बड़ा बॉल लेंगे, उसमें ये चॉप किया हुआ गार्लिक, चिली फ्लेक्स और ये हरा धनिया डाल देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच बटर। तो बटर आपका अगर थोड़ा सॉफ्ट रहेगा तो ज़्यादा आसानी होगी इसको मिक्स करने में, तो पहले ही थोड़ी देर पहले ही इसको फ्रिज से बाहर निकाल के रख दें ताकि ये ज़्यादा हार्ड ना रहे। तो यहाँ पे हार्ड था तो मुझे मिक्स करने में इसको 2 मिनट लग गए, लेकिन ये सॉफ्ट रहेगा तो आसानी से आप इसको मिक्स कर पाएंगे। और यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैं नमक नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि बटर जो है वो भी सॉल्ट है, उसमें चीज़ भी डालेंगे इसलिए नमक ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड लिए हैं, नॉर्मल वाइट ब्रेड हैं ये, आप सैंडविच ब्रेड ले सकते हैं। और इसमें 2 ब्रेड में एक साइड से हम इसको अच्छे से, जो हमने ये मिक्सर बनाया ना बटर और गार्लिक का, उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं ये स्लाइस चीज़ ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आप मोजरेला भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्लाइस के ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस चीज़ भी मैं यहाँ पे ग्रेट कर दे रही हूँ ताकि ये और भी मज़ेदार और चीज़ी हो जाए। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास जो भी चीज़ है वो आप यूज़ कर लें। अब इनको हम ये क्या करेंगे, दूसरे ब्रेड को ऊपर से रख देंगे और ऊपर के साइड पे हम ये जो हमारा बटर और गार्लिक है उसको ऊपर के साइड से भी थोड़ा स्प्रेड करके लगा देंगे। तो अब ये ब्रेड जो है बिल्कुल ही टोस्ट होने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया था, तो मीडियम फ्लेम पे जिस साइड में आपने बटर लगाया है उस साइड को नीचे रखेंगे इस तरीके से, और प्लेन साइड को ऊपर रखेंगे। और अगर आपके पास लिड है तो इसको ढक दें और मीडियम फ्लेम पर इसको 1.5 से 2 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में चेक करते रहें ताकि जले नहीं। और यहाँ पे एक साइड से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है, अच्छे से टोस्ट हो गया है ये। अब दूसरी साइड से फ्लिप करके इसको दूसरी साइड से भी 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे। अभी इसको लिड से नहीं ढकना है, नहीं तो उसमें भाप से पानी बन के इस पर गिर सकता है। अब ये दोनों साइड से पक के रेडी हो गया है। ये देखिए बहुत ही अमेजिंग सा ये गार्लिक ब्रेड बन के रेडी है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेते हैं ये ऑरिगेनो, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप नॉर्मल ऑरिगेनो जो आपको पिज़्ज़ा के साथ मिलता है वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए अब ये ब्रेड की स्टिक्स बना लेते हैं, कट कर लेते हैं। आप चाहिए तो इसको 2 हिस्सों में कट करके खा ले, ये आपके ऊपर है। और ये देखिए आप देख सकते हैं चीज़ मेल्ट हो गई है, कितना चीज़ी दिख रहा है। अगर आप इसमें मोजरेला ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ी हो जाएगा ये, और भी मज़ेदार हो जाएगा। और यहाँ पे ये फटाफट से 2 मिनट में आपने देखा गार्लिक ब्रेड बन के रेडी हो गया है। खाने में बहुत ही टेस्टी है, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने घर पे ये गार्लिक ब्रेड बनाया है, बिल्कुल बाहर जैसी फीलिंग आएगी अगर आप इसको बना के खाएंगे। तो ये रेसिपी मैं रिकमेंड करूँगी, एक बार ज़रूर ट्राई करें आप। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कुकिंग।